दिवाली के मौके पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 2022 में पार्टी सिर्फ छोटे छोटे दलों से गठबंधन करेगी, किसी बड़ी पार्टी से गठजोड़ नहीं होगा। अखिलेश ने यह भी कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में प्रसपा यानी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को भी एडजस्ट करेंगे और अगर सरकार बनी तो उनके नेता शिवपाल को कैबिनेट मंत्री भी बना देंगे। जसवंत नगर विधानसभा सीट भी छोड़ देंगे। माना जा रहा है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा से गठबंधन करने के बावजूद सपा के पक्ष में कोई हवा नहीं बन पाई। ऐसे में अखिलेश ने अब चाचा शिवपाल को साथ लाने का मन बना लिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद कहा कि लोकतंत्र में इतना धोखा किसी के साथ नहीं हुआ होगा जितना भाजपा ने वहां के लोगों के साथ किया है। अखिलेश ने एनडीए पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि महागठबंधन को बेईमानी से हराया गया है। 2022 में सपा की रणनीति क्या होगी, इस सवाल का जवाब अखिलेश ने कुछ हल्के अंदाज में दिया। कहा कि इसका हम खुलासा नहीं करेंगे तो उन्हें जानकारी हो जाएगी। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव की 7 सीटों से सपा को एक सीट सिर्फ मल्हनी पर जीत मिली है। बाकी सीटों पर हार की वजह पूछी गई तो अखिलेश बोले, जब चुनाव जिलों के डीएमएसपी सीओ और सिपाही लड़ेंगे तो कौन जीतेगा। कहा, चुनाव भाजपा नहीं लड़ रही है, उनकी सरकार के जितने भी अधिकारी हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव दिवाली मनाने के लिए सैफई पहुंचे हैं। वहां सिविल लाइन आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बसपा के 3 पूर्व जिलाध्यक्ष लाखन सिंह जाटव, जितेंद्र दोहरे और राघवेंद्र गौतम समेत सैकड़ों लोगों को पार्टी में शामिल किया। अखिलेश ने कहा कि इटावा में जो भी विकास हुआ है सपा ने कराया है, भाजपा कोई भी विकास यहां दिखाई नहीं देता। लायन सफारी और नवीन जेल का भी जिक्र किया है। तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि विकास भवन में ब्लैक ग्रेनाइट का गेट बनाया है, यही उनका विकास दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अखिलेश फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। उन्होंने मायावती समेत कांग्रेस को भी संदेश दे दिया है कि बिहार चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद कम ही उम्मीद है कि वो उत्तर प्रदेश में फिर से कांग्रेस से गठबंधन करे। हालांकि घोषणा होने में अभी बहुत वक्त बाकी है, देखना होगा अखिलेश और अपनी कितनी रणनीति बदलते हैं। न्यूज़ रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट।